मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू क्लास फर्स्ट एंड दिस इज योर मैथ्स क्लास। चिल्ड्रन, इन मैथ्स वी वर स्टडीइंग चैप्टर नंबर 9, न्यूमेरल्स ऑन अबेकस। चिल्ड्रन, प्रीवियस क्लास में हमने मैथ्स में इस चैप्टर में पढ़ा था कि अबेकस दिखता कैसे है, और अबेकस में जो दो वर्टिकल लाइन होती है उन्हें हम स्पाइक्स कहते हैं, और जो उसमें जो छोटी छोटी सी बॉल्स होती है उन्हें हम बीट्स कहते हैं। फिर हम उसे काउंट करके राइट करते थे। हम ने जो न्यूमेरल सीखा था वो हमने अबेकस में सीखा था। ओके, सो लेट्स कंटिन्यू दिस चैप्टर एंड टुडेज टॉपिक इज नंबर्स इन एक्सपैंडेड फॉर्म। आज हम सीखेंगे नंबर्स इन एक्सपैंडेड फॉर्म। एक्सपैंडेड फॉर्म का मतलब होता है नंबर को आप बढ़ा के विस्तार से लिखना। ठीक है, मतलब हमारे पास नंबर्स होंगे शॉर्ट फॉर्म। शॉर्ट फॉर्म के नंबर्स जैसे हमने लिख लिया 63, 54, ये सब क्या है, हमारे शॉर्ट फॉर्म में है। ठीक है, क्लास में हम सीखेंगे नंबर्स को एक्सपैंडेड फॉर्म में लिखना। ठीक है, ये आपके शॉर्ट फॉर्म में नंबर दिए हैं। एक्सपैंडेड फॉर्म में हम कैसे लिखेंगे, वंस और टेंस के फॉर्म में लिखेंगे। ओके, सो चिल्ड्रन, कल की क्लास में मैंने आपको वंस और टेंस बताया था। अच्छा, ये बताइए, आप जब काउंटिंग करते हो तो पहले वन आता है या टेन आता है? ऑब्वियसली वन आता है, देन टेन आता है, क्योंकि वन में चिल्ड्रन कितने जीरो होते हैं, वन में एक भी जीरो नहीं होते। टेन में कितने जीरोस होते हैं, टेन में वन जीरो होता है। ठीक है, सो चिल्ड्रन, आप जो भी टू डिजिट के नंबर देखते हो, जो भी आपके पास टू डिजिट का नंबर होता है, ये टू फॉर्म में होता है। जैसे हमने कोई नंबर लिया 56, ठीक है, हमने ये 56 ये नंबर लिया, तो अब हमें इसमें बताना है कौन सा वंस है और कौन सा टेंस है। ठीक है, तो चिल्ड्रन, हम जो एक्सपैंडेड फॉर्म पढ़ते हैं वो वंस और टेंस के फॉर्म में पढ़ेंगे। अभी जो आपके पास दो नंबर है 5 और 6, 56 यानी कि 5 और 6 आपके पास दो नंबर है। मैंने कल आपको बताया था एक ट्रिक, एक मेथड बताया था, जिसमें आप क्या करोगे, आप अपना इधर एक, आप अपने राइट हैंड से एक नंबर को हाइड करोगे और लेफ्ट हैंड से दूसरे नंबर को, तो जो आपके राइट हैंड में नंबर आएगा वो आपका नंबर आएगा, वो वंस प्लेस होगा, जो लेफ्ट हैंड में आएगा वो आपका टेंस प्लेस होगा। ठीक है, एक बात याद रखिएगा, हम जब भी नंबरिंग पढ़ते हैं तो हम इधर से यानी कि लेफ्ट राइट से स्टार्ट करते हैं, राइट फिर लेफ्ट। ओके, तो हम जो स्टार्ट करेंगे तो पहले ये जो आपका नंबर मिला 6, तो ये आपका 6 क्या हुआ, ये आपका वंस है। मीन्स जो राइट हैंड में जो नंबर आता है वो हमारा वंस होता है, जो हमारा लेफ्ट हैंड में नंबर आता है वो हमारा टेंस होता है। ठीक है, वंस में कितने जीरो होते हैं, एक भी जीरो होते हैं, वंस में कोई जीरो नहीं होता। टेंस में कितने जीरो होते हैं, टेंस में वन जीरो होते हैं, टेंस में वन जीरो होता है। ठीक है, अब बताइए, ये लिखा है 56, 56 कैसे बनता है, 50 एंड 6, आप 50 में 5 में 6 ऐड करोगे तब 56 आएगा, या 50 में 6 ऐड करोगे तब 56 आएगा। ऐड करके देखो, आप 5 में 6 ऐड करोगे तो क्या आएगा, 11, लेकिन जब आप 50 में 6 को ऐड करोगे तब आपको मिलेगा 56। ठीक है, तो आपने लिखा कि 6 वंस, 6 आपका क्या है, वंस है, यानी कि इसमें एक भी जीरो नहीं आएगा, तो ये 6 हुआ। ठीक है, प्लस 5 टेंस, क्या आया आपने क्या बोला, 5 टेंस, यानी कि 5 और टेंस में कितने जीरो होते हैं, 1, तो हमने लिख दिया 0। अब बताइए 50 और 6 को आप ऐड करोगे तो क्या आएगा, 56। हियर आर सम एग्जांपल्स, स्टार्ट करते हैं। नंबर 1, 69, ये नंबर आपका शॉर्ट फॉर्म में दिया है, इसको आपको एक्सपैंडेड फॉर्म में यानी कि वंस और टेंस के फॉर्म में लिखना है। मैंने आपको बताया आपके पास टू नंबर है, एक राइट हैंड में एक लेफ्ट हैंड में, राइट हैंड वाला नंबर वंस होता है, लेफ्ट हैंड वाला नंबर आपका टेंस होता है। ठीक है, हम हमेशा राइट हैंड से स्टार्ट करते हैं फिर लेफ्ट हैंड में आते हैं, ये वंस होगा, फिर वन के बाद क्या मिलेगा आपको, टेन, तो ये वंस हुआ, ये टेंस हुआ, तो सिक्स में आपको क्या मिला था, टेंस मिला था, तो आप इसे कैसे एक्सपेंड करोगे, 6 टेंस, 6 में आपको क्या मिला था, 6 में टेंस, देन प्लस 9 वाले नंबर को आपने अभी क्या बोला था, 9 वंस, मींस राइट हैंड वाला नंबर 9 था, 9 में वंस था, और लेफ्ट हैंड वाला नंबर 6 था, 6 में क्या आता है आपका, टेंस आता है, तो आपने इसे एक्सपैंड करके लिखा 6 टेंस, देन 9 वंस। ठीक है, अब बताइए 6, आप ये 6 ऐसे लिखा है, आपने सिर्फ सेव राइट कर दिया, 10 में कितने जीरो होते हैं, 1 जीरो होते हैं, तो आपने लिख दिया 0, देन ये प्लस, देन ये 9
वंस में कितने जीरो होते, एक भी जीरो नहीं होते, तो हम इसे ऐसे लिखे रहेंगे। अब बताइए 60 में 9 ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 69। ठीक है चिल्ड्रन, तो आपको एक्सपैंडेड फॉर्म आपको टेंस और वंस में ऐसे ही लिखना है। सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं 83। अब बताइए इसमें राइट हैंड वाला नंबर कौन सा है, 3, लेफ्ट हैंड वाला 8। राइट हैंड वाला नंबर हमेशा वंस होता है, लेफ्ट हैंड वाला नंबर टेंस होता है। तो लेफ्ट हैंड में कौन सा नंबर है, 8। अगर हमारा लेफ्ट में 8 है तो हम इसके लिए क्या यूज करेंगे, 8 टेंस देन प्लस 3। 3 क्या है, वंस, 3 वंस। तो 8 और 3, 8 टेंस 3 वंस। 8 टेंस में कितने जीरो होते हैं, 1, तो हमने लिख दिया 0। देन 3 वंस में एक भी जीरो नहीं होते, 80 में हम 3 ऐड करेंगे क्या आएगा, 83। नेक्स्ट क्वेश्चन 94। ठीक है, दो नंबर है आपके पास, एक राइट हैंड में है और एक लेफ्ट हैंड में है। राइट हैंड वाले नंबर को हम वंस बोलते हैं, लेफ्ट हैंड वाले नंबर को हम टेंस में रखते हैं। ठीक है, तो हमने स्टार्ट किया 9, लेफ्ट हैंड वाले नंबर को हम क्या बोलते हैं, टेंस। 9 टेंस प्लस 4, 4 राइट हैंड में, तो क्या बोलेंगे, 4 वंस, 4 यानी यस वंस। तो 9 टेंस, टेंस में कितने जीरो होते हैं, 1, तो 9 टेंस कितना हुआ, 9 टेंस 90 प्लस 4, वंस में एक भी जीरो नहीं होते, 90 प्लस 4 कितना होता है, 94। Now it's time to your classwork. आपको क्लासवर्क में पेज नंबर 83 में जितने भी सारे एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, आपको इसे अच्छे से देखना है और समझना है। क्लियर? एंड स्टूडेंट, हियर इज योर होमवर्क। आपको पता ही, आपका सब्जेक्ट, ये चैप्टर आपके सब्जेक्ट एनरिचमेंट का पार्ट है, और सब्जेक्ट एनरिचमेंट का जो भी चैप्टर होता है और एक्टिविटी का चैप्टर होता है, उसे आप कॉपी में नहीं करते हो, सिर्फ आप बुक में फिल करते हो। तो आपको सिर्फ इसे बुक में करना है, कॉपी में इस चैप्टर की कोई भी एक्सरसाइज नहीं होगी। ओके, एंड पेज नंबर 84 आपका होमवर्क है। नंबर्स दिए हुए, इन नंबर्स को आपको एक्सपैंडेड फॉर्म में लिखना है, जैसे मैंने अभी आपको वीडियो में समझाया है, सेम वैसे ही आप नंबर्स को एक्सपैंड करके एक्सपैंडेड फॉर्म में राइट करोगे। ओके,